Dear students, today we will discuss four more suffixes that are docs, er, or, double er. तो ये दोनों तो आपने सुने होंगे definitely, और docs और er ये कम students ने सुने होंगे, इनको discuss करते हैं. डॉक्स का मीन्स होता है सर्च फॉर, माने कोई चीज़ हम ढूंढते हैं. सर्च फॉर माने किसी की कोई छुपी हुई चीज़ है, किसी की पोल पट्टी है ना, और उस चीज़ को पब्लिश करना या बाहर लाना, इस तरह से होता है. ईआर का मतलब ये सब्जेक्ट बनाता है, करने वाला कोई एक्शन बन जाता है या कोई पर्सन बन जाता है. इसमें भी कोई पर्सन बन जाता है या प्रोसेस बन जाती है, ठीक है. और इसमें डबल ई आर में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में लगा हुआ है, संलग्न है. इसमें भी ज़्यादातर पर्सन ही बन जाता है, किसी काम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, इस तरह का सेंस आता है. वो हम देखेंगे अभी इसमें. देखिए, अभी हमने कुछ शब्द लिख रखे हैं, कुछ वर्ड्स. हैडॉक्स या पैराडॉक्स, इन दोनों का अर्थ सेम होता है, सेंस विरोधाभास. विरोधाभास पैरा लिया गया है पैरेलल से. किससे लिया गया है? पैरल से. दो चीज़ें समांतर चलती हैं, पैरेलली चलती हैं, तो उनमें आपस में डेफिनेटली विरोधाभास तो होता ही है. जैसे गवर्नमेंट का रूल अलग चलता है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, उसके साथ में कोई व्यक्ति अपनी और चलाने लगे किसी एरिया विशेष में, तो उसको कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है. तो उन दोनों में आपस में टकराव होता है, तो उससे विरोधाभास का हम ले सकते हैं. होमोडॉक्स, होमो मीन्स होता है सेम, तो होमोडॉक्स का अर्थ क्या हो जाएगा? समधर्मी. वैसे डॉक्स मीन्स होता है एक्चुअली सिद्धांत या किसी हुई चीज़, छुपी हुई चीज़ को बाहर लाना, तो वो सिद्धांत के तहत ही हम लाते हैं. साइंस में भी ऐसा ही होता है, तो इसको कहते हैं समधर्मी, ठीक है. केमिकल में यूज होता है इसका, जो केमिस्ट्री में है उसका होमोडॉक्स है, और आपका क्या कहते हैं रेडॉक्स है, ऑटो रेडॉक्स है, नॉनो रेडॉक्स है. ये केमिस्ट्री के शब्द हैं, तो वो हमने जानबूझ के नहीं लिखे हुए हैं. जरूरत ऑर्थो, ऑर्थो मीन्स होता है हमारी बोन्स या हड्डियों को ऑर्थो बोलते हैं. और हड्डियाँ कैसी होती हैं? कड़ी और टाइट, शेप नहीं चेंज होती, टूट जाएंगी लेकिन शेप चेंज नहीं करेंगी. तो ऑर्थोडॉक्स के मतलब होता है इसी तरह का सिद्धांत. तो रूढ़वादी हो गया कि नहीं हो गया? जो पुराना है उससे टूट सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते, तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी. रूढ़िवादी ईसाइयों में भी दो संप्रदाय हो गए, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक. कैथोलिक उदारवादी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, जो उनका पुराना चलता है उसको ही चलाना चाहते हैं. फिलोडॉक्स, फिलोलॉजी बेटा एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है भाषा शास्त्र, ठीक है. लैंग्वेज की जब हम स्टडी करते हैं, हिंदी इंग्लिश की नहीं, लैंग्वेज की स्टडी करते, भाषा की स्टडी करते, मैंने किसी भाषा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या होती, कैसे काम करती है, या किस किस तरह से यूज़ होती है, किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से क्या होता है, तो उसको फिलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. तो इसी से बना है फिलोडॉक्स. तो ये भाषा संबंधी हो जाएगा, भाषा या रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा संबंधी. क्लियर. हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स मीन्स होता है, हेटेरो शब्द जो है हेटेड से बना है, घृणा से. तो हेटेरोडॉक्स मीन्स होता है, डॉक्स मीन्स धर्म, जो सही सिद्धांत है उसको. डॉक्स मीन्स सिद्धांत भी होता है, डॉक्टर से डॉक्स इसी से बना है, डॉक्टर शब्द भी तो सिद्धांत. तो हेटेरो मीन्स हेट वाला, तो हेट वाला सिद्धांत तो दुनिया में कभी मान्य होता ही नहीं है. आप चलाते बेशक रहो उसको, एक जनरल पीपल जो है उसको लाइक नहीं करते, वो चलता भी नहीं है. तो हेटेरोडॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा? विधर्मी, विधर्मी या दूसरा कह सकते हैं शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध. क्यों कहते हैं इसको शास्त्र विरुद्ध? शास्त्र मीन्स सिद्धांत. शास्त्रों में क्या है? कुछ सिद्धांत हैं, सर्टेन रूल्स आर देयर टू फॉलो, और उनके विरुद्ध हैं, तो वो हेटेरोडॉक्स वाली श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है. स्यूडो, स्यूडो माने होता है छुपा हुआ. स्यूडो एक रूट है, अभी रूट पे भी वीडियो बनाएंगे बाद में, तब हम देखेंगे. अभी तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस देख रहे हैं, हम कंप्लीट कर लें.
फिर जो रूट से शब्द बनेंगे और प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हमारे कंप्लीट होंगे, तो जाहिर सी बात है हम जो रूट से बहुत सारे शब्द जो नए नए बनते हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं बहुत इजीली। इसलिए पहले मैं सफिक्स पे और फिर प्रीफिक्स पे काम करूँगा। तो स्यूडो मीन्स छुपा हुआ, तो स्यूडोडॉक्स मीन्स क्या हो जाएगा? कल पर एक क्षण के लिए इमेजिन कर सकते हैं हम, स्यूडोडॉक्स मीन्स क्या होगा? देखिए, छद्म पूर्ण, छद्म माने छुपा हुआ, छद्म मीन्स छुपा हुआ, हिडन, छद्म पूर्ण, जिसमें 400 बीसी भी हो, कॉन्स्पिरेसी भी हो, जैसे मैं अभी थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी लगा के और कुछ एक आध दो तेल बेल ऐसे वैसे लगा के, कुछ भी चश्मा लगा के और हिलते हुए चलने लगूँ तो कोई मुझे पहचान ना पाए, तो उस तरह के रूप को क्या बोलते हैं? भाई मैंने उसमें छद्म भेष किया ना, अपना छुपाया उसको, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रीविंग्स भी हो गया, षड्यंत्र भी हो गया, ठीक है ना, कॉन्स्पिरेसी तो टाइप का रहता है, वैसे उसे कंट्रीविंग्स कहते हैं छुपाने को। छद्म पूर्ण, जहाँ पर जो दिख रहा है वो ना हो और जो ना हो वो दिखाई दे, उसको कहते हैं छद्म पूर्ण। सिनोक्यूडॉक्स कहते हैं अंतिम, शिनो सीज, ये शब्द अंतिम या खत्म करने के लिए आते हैं, तो सिनोक्यूडॉक्स मीन्स हो जाता है अंतिम विकल्प। अंतिम विकल्प का मतलब कोई विकल्प ही नहीं, सारे विकल्प सारी चीजें खत्म हो गई, एक ही चीज रह गई, उसको ही बोलते हैं लास्ट चॉइस, अंतिम विकल्प। सबसे अच्छी चॉइस के लिए भी आ सकता है और द ओनली चॉइस के लिए भी आ सकता है अंतिम विकल्प, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके डॉक्स आपने देखा। इसके बाद में हम ईआर देखेंगे। ईआर में तो बहुत हैं, जैसे ड्राइव से ड्राइवर, इसमें तो बस ऐसे ही भर दो, टीच से टीचर, है ना, हिंदी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें तो, है ना, डू से डूअर, गो से गोअर, है ना, कम से कमर, बहुत सारे हैं, कितने भी कर दो इसमें तो बहुत हैं और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कितने करोगे इसमें, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं ओआर, ओआर में कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं हम। चलिए ओआर को देखते हैं, रिएक्टर, ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर, रिएक्ट मींस प्रतिक्रिया होता है, तो रिएक्टर उसी तरह से बना है। क्रिएट से क्रिएटर, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट मींस क्या होता है, सूचना देना या बातचीत करना, संचार देना, तो कम्युनिकेट से क्या बना, कम्युनिकेटर, ठीक है ना, एक्सेप्टर, ठीक है, एडवाइजर, एक्टिवेटर, एक्टिवेट मींस क्रियाशील बनाना, और एक्टिवेटर मींस क्रियाशील बनाने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, एक्टिव माने जो व्यक्ति खुद हो सक्रिय, है ना, एक्टर, एक्ट मींस कार करना, एक्टर मींस अभिनेता जो अपन जानते हैं, ठीक है ना, एडजस्टर, एडजस्ट करने वाला, एडजस्टर, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द हैं, कितने भी बना सकते हो, बना क्या सकते हो, होते हैं, हमारे घर पर थोड़े ही बनते हैं ना, आपके घर पे बनते जो होते हैं बस वही होते हैं, ठीक है ना। अपॉइंट मींस नियुक्त करना, तो अपॉइंट नियुक्त करने वाला कौन हो जाएगा, अपॉइंटर, बहुत सारे इसमें देखो और लिख सकते हो, रीडर है ना, राइटर, सिंगर, फीडर, ठीक है, फीड मींस भोजन देना, तो फीडर, बिजली में होता है फीडर, मैंने वहां से वो सप्लाई आती है भोजन की, बिजली की उसकी, जो भी आप समझ पाए, तो इनकी भी मैं समझता हूँ कोई हिंदी लिखने की जरूरत कोई खास नहीं है। अब हम देखते हैं ईआर को, ठीक है, तो देखते हैं अभी, देखिए तो अभी ये शब्द हैं, ऑक्शन मींस बोली जो लगाते हैं अपन कोई चीज खरीदने के लिए, रैकेट मींस कोई सिस्टम से कोई बना हुआ ग्रुप, जनरली अपराध जो संगठित अपराध होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसको अपन बोलते हैं रैकेट, जैसे सेक्स रैकेट आता है,
ठीक है। पॉकेट मीन्स जानते ही हो, इन्फेंट मीन्स शिशु को बोलते हैं, छोटे शिशु, नवजात शिशु को। प्रॉफिट मीन्स आप जानते ही हो, वॉलेट जानते ही हो आप, वैलेट, बैलेट पेपर वोट डाले जाते थे पहले। वेपन मीन्स जानते ही हो, केबिन मीन्स जानते हो बैठने की छोटी सी जगह है। रूटीन मीन्स हमारा जानते ही हो, दिनचर्या, डेली रूटीन। इंजन मीन्स जानते ही हो, मस्कट मीन्स वेपन से रिलेशन है। चलिए अब इसमें सब में हम क्या लगाते हैं, डबल ई आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल ई आर, 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 डबल ई आर। अब इसमें एक ही पहले से ही लगा है तो ई आर। ध्यान रखना इंग्लिश में कोई भी लेटर थ्री टाइम्स नहीं आ सकता इन एनी केस। तो इसमें भी ई पहले से लगा है तो ई आर केवल लगा दो, और इसमें फिर डबल ई आर। इनके सेंस देख लीजिए, ऑक्शनियर बोली लगाने वाला, रैकेटियर रैकेट में शामिल होने वाला, रैकेट चलाने वाला, पॉकेटियर पॉकेट चलाने वाला, इन्फेंटियर शिशु को होल्ड करने वाला, थामने वाला, प्रॉफिटियर प्रॉफिट कमाने वाला, है ना। इस तरह से आ जाएंगे, एंगेज्ड इन प्रॉफिट, माने एंगेज्ड इन मींस में लगा हुआ, या एसोसिएटेड मींस से संबंधित, ठीक है। तो इन्फेंटियर, अब इन्फेंटियर में बिजी, उसमें इन्फेंटियर में बिजी मींस शिशु में बिजी, इन्फेंटियर उसको कहें। प्रॉफिटियर तो प्रॉफिट कमाने में जो लगा हुआ है, वॉलेटियर जो बैलेट के काम में लगा हुआ है, वेपन ईयर जो हथियार रखता है, हथियार के काम में लगा है, कैबिन ईयर जो कैबिन में लगा हुआ है, रूटीन ईयर जो रूटीन को फॉलो करता है, रूटीन बनाता है, इंजीनियर आप जानते ही हो जो इंजन को डील करता है, इंजन से एसोसिएटेड होता है, सो इंजीनियर। इंजन मींस यंत्र, इंजीनियर क्या करता है, यंत्र के हिसाब से काम करता है। मस्कट मींस वेपन, मस्कट ईयर वेपन को होल्ड करने वाला, यानी कि सिपाही हो गया, ठीक है ना। तो बस इनके आप समझ लीजिए, मैंने बता दिए ही हैं, लिखो ना लिखो आप तो खुद ही बैक करके चला सकते हो वीडियो को भी। थैंक यू।